तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बरपार गांव में और अभी हम हैं जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल पे और आज काफी अच्छा यहां पे प्रोग्राम होने वाला है और दोस्तों काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं इस प्रोग्राम में और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला मैं बता दूं तो अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली 2023 का IPL देखा होगा और भोजपुरी कमेंट्री सुनी होगी तो वो सर भी आने वाले हैं जिनका नाम है श्री गुलाम हुसैन सर, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बाकी अभी हम आ चुके हैं जागृति संस्थान पे, चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और काफी ज्यादा भीड़ देख सकते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हुई हैं और आइए आपको अंदर ले चलते हैं जागृति संस्थान में, आप पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। और दोस्तों हमारे साथ कपूर भाई भी आए हुए हैं। नहीं हम नहीं आए। हेलो बोल दीजिए। और इस गाँव का नाम जिस पेड़ से पड़ा वो सामने आप लोग देख सकते हैं, तो इसकी भी हिस्ट्री जो है मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में। एक स्पेशली ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ का जिसमें आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और सारे लोग आ चुके हैं, गांव के भी लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखिए मॉडल बना हुआ है। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अंदर जागृति संस्थान के और ये पूरा हॉल है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और अपने अतिथिगण भी आ चुके हैं। इसका जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। नहीं नहीं, मैं जहागीर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कारतूस को मुंह से लगाना तो दूर, हाथ से छूंगा तक नहीं। कि मैं ब्राह्मण हूं और ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और ये ग्रीस हमारी धार्मिकता को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हमें चाहिए कि हम भारतीय एकजुट होकर इन अंग्रेजों का सामना करें, इनकी नीतियों को तोड़ने का काम करें और इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाएं। ये अंग्रेज अपनी नीतियों से हम पर हावी होना चाहते हैं। मारो फिरंगी को। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर दो बार हमला किया पर वो चुप गए। इस दौरान मौके पर मौजूद करीब 400 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों का ऑर्डर नहीं माना। मंगल पांडे का प्रभाव इतना था कि जगह जगह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह छिड़ गए थे। विद्रोह को शांत करने के डर से अंग्रेजों ने 8 अप्रैल सन 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन मारो फिरंगी का नारा और बदलाव की क्रांति की आग भारत के कोने कोने में दिखाई दी। का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। मनु का बचपन अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे परंतु वे बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियारों से खेला करते थे।
वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल शिकार करना, दुश्मनों के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। No! Never! No! Never! सब जो परेशानी है वो खत्म होने वाली है।
जागृति से क्या फायदा है? देखो बेटुआ, ये जो आने वाला जो हमारा अमृतकाल का 25 साल है ना, 5 से लेकर 7 करोड़ लोगों को तैयार करना, पूर्वांचल के लोगों को, ताकि वो लोग स्वावलंबी बन सके, स्वरोजगार कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके और पलायन रुके। हम अगर योग्यता हमारे पास हो तो हमारा साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए जागृति हमारे साथ रहेगी। सही पकड़े। अच्छा तुमको एक बात बताते हैं, तुम लोग रामायण देखे? रामायण देखे सभी लोग? कौन कौन रामायण देखे? जरा हाथ खड़ा करें। अरे बड़े कम देखे, टीवी भी नहीं है घर में। हाँ बड़े टीवी में देखे हैं, रामायण देखे हैं। रामायण में दो तो करेक्टर रहे, दो पात्र रहे, दो पात्र रहे, एक तो रहे जामवंत, बड़ा बड़ा भालू जैसा, जामवंत रहे, और एक तो रहे हनुमान। एक तो रहे जामवंत और एक तो रहे हनुमान। अब हनुमान जो रहे, हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति, लेकिन उनको कोई अपनी शक्ति के बारे में पता ही नहीं। ठीक, अब जो जामवंत रहे ना, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के नगर को, पूर्वांचल को आगे बढ़ाना है तो उद्यमिता के बिना नहीं हो पाए। बड़े बड़े उद्योगपति मेरे दोस्त हैं, मुझे इसमें गर्व है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं संजय किर्लोस्कर को बोलूं कि यहां पर आके आप एक फैक्ट्री लगाइए तो शायद नहीं लगा पाए। लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर 220 लोगों का हिंदी और भोजपुरी कॉन्फ्रेंस खोल दिया। मालती यादव ने 100 महिलाओं के लिए अचार बनाने की फैक्ट्री खोल दी है। तब वही राज्य में हम लोगों ने केले के रेशे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो उद्यम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसका नारा, स्वावलंबी का नारा, आत्मनिर्भरता का नारा हम लोग इस सभागार से देंगे, पूरे क्षेत्र को देंगे, पूर्वांचल को देंगे, पूरे देश को देंगे। दोस्तों आज भारत में 38 करोड़ युवा लोग 15 से 29 साल के बीच में, 38 करोड़ युवा मतलब
अमेरिका की आबादी से लगभग 10% ज्यादा, लेकिन अगर इसको हम लोग अवसर के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि युवा वर्ग आज की जो महिलाएं हैं यहां पर मेरी बहनें हैं जो युवा वर्ग हैं, उनके पास आगे के लिए कुछ काम करने की क्षमता है, एक नई सोच की क्षमता है, नवाचार की क्षमता है। नई सोच पुराने लोगों से भी आ सकती है, लेकिन नई सोच नए लोगों से आती है। इसीलिए आने वाले 25 साल में युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ाने का श्रेय, जो कि मैं पिछले 15 साल से करता आ रहा हूं जागृति यात्रा के तहत, उसको हम लोग नया वेग देंगे। सिर्फ दो, ये तो मुश्किल होगा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं हम सबकी बातें सुनने के लिए। सुबह से शायद बैठे होंगे, परेशान भी हो गए होंगे, पर मुझे खुशी है देखे कि आप सबके बीच में एक ऐसा मंच है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सहयोग दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, खासकर युवा पीढ़ी को, जो मुझे लगता है कि आज की बहुत ही ज़रूरत है। और उसके लिए मैं शशांक जी को और आपकी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी, और धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड ग्रुप को थैंक यू वेरी मच कि हमें इंट्रोड्यूस भी करवाया। हम सब देखा जाए तो जो शहर में भी रहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? राइट। तो देखा जाए तो वो जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल मैं देखती हूँ युवा पीढ़ी जो गांव की भी है, सब चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, हम कहीं शहर में जाके कोई व्यवसाय करें, और फिर अक्सर जब शहर चल जाते हैं तो अपने गाँव को भूल जाते हैं। मैंने देखा है मेरे क्षेत्र में कि जो बच्चे पहली बार पढ़े लिखे हैं वो किसान ही बनना चाहते हैं, उन्हें लगता है हम पढ़ लिए हैं लेकिन मिट्टी के साथ अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए छोटा काम है। और ये देख के मुझे दुख होता है, क्योंकि पूर्व में हम सबको पता है कि जो मेहनत और जो आदर एक किसान को मिलता था, जो आदर एक ग्रामवासी को मिलता था, वो अभी भी होना चाहिए, वो कायम रहना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरे देश भर में क्या, विश्व में भी, जैसे भी आपने सुना मकान ही है, क्यों इतनी सारी चीजें हैं जो विदेश हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी उपज कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमारे गांव में होती है। तो जब मैं देखती हूँ कि हमारे गाँव कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जो विकास होना चाहिए है वो ज्यादा शहरों में सीमित रहता है ना, अक्सर नहीं होती, या होती भी है तो उसमें कितने लोग हैं जो खुल के बात करते हैं। तो गाइस चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है अपना स्टेज, काफी अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से। एक बार तुम्हें जाके आगे उन्हें समझाते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, इससे आपको भी सुविधा मिलेगी और आपके घर में आने के बच्चे हैं युवा पीढ़ी के लिए भी सहायक होगा। तो ये जब जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र, यहाँ से माइग्रेशन काफी मतलब काफी बड़े लेवल पर होता है, लोग यहाँ से रोजगार अच्छे अवसरों की तलाश में, अच्छे एजुकेशन की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके लिए क्या प्रेरणा रही कि आप इतने अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आप गाँव लौट के आए और गाँव के लिए कुछ करने के लिए आपने सोचा, आपके उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा? देखिए मेरा जो लगाव और जुड़ाव जो गाँव वासियों के साथ था वो मेरे बचपन से था। मेरे स्कूल में जब छुट्टियाँ होती थी, मैं वैसे राजस्थान में कम पढ़ी हूँ, मैं दक्षिण भारत में पढ़ी हूँ, तो मेरी जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं गांव में भी छुट्टियाँ बिताती थी। तो उससे मैं जो गांव के बुजुर्ग खासकर पुरुष थे, क्योंकि घर से बाहर वही होते थे, उनके साथ काफ़ी मेरा मिलना करना हुआ। उनके साथ मैं गांव से दूसरे गांव में भी चली जाती थी, देखती थी कि वो किस प्रकार से खेती करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है, उनकी क्या समस्याएं हैं। और साथ में क्योंकि मैं खुद एक बच्ची थी तो घरों में आसानी से जा सकती थी। तो गाइस नाश्ते का टाइम हो चुका है, जी जी।
तो फाइनली गुलाम सर का जो है प्रोग्राम चालू होने जा रहा है आपको नजदीक से गुलाम सिंह जी के मैं चाहूंगा कि आपने बजाया। मैं ज्यादा मत गर्मा गर्म समोसा कैसा लग रहा है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, खासतौर से जागृति उद्यम केंद्र के संस्थापक शशांक मणि जी और बंसल साहब जी को नमस्कार। जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग मेरी आवाज सुने होंगे भोजपुरी कमेंट्री में, जब हम गेंद को पेड़ा गली में पहुंचा दिया करते थे या गेंद को बजाती गली में पहुंचा दिया करते थे या कभी कभी गेंद को हम छपरा टिकट काउंटर पर पहुंचा दिया करते थे। और मेरी लाइफ यहीं से शुरू हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जागृति उद्यम केंद्र में आया हूं। मैं सच बताऊं, ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है, बहुत गौरव की बात है। मैं वक्ता नहीं। जब मुझसे कहा गया, जब केशव जी का फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसी चीजें, तो पहले तो मैं सोचा, फिर कहा कि मैं आपको टाइम देता हूँ कैसे कैसे करना, क्योंकि जहाँ पे Y20 जैसी इतने बड़े सम्मेलन की बात हो रही है, जहाँ G20 जैसा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, जहाँ खुद मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो एक कमेंटेटर वहां क्या करेगा। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, जब बचपन यहाँ बीता है इस मिट्टी में, इस मिट्टी का तो कर चुकाना ही पड़ेगा, एक बार आप लोगों के बीच आना पड़ेगा। और मैं आज एक विश्वविद्यालय में क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में वहां काम करता हूं। भोजपुरी भाषा कभी नहीं छोड़ा, अपनी मिट्टी कभी नहीं छोड़ी, अपनी जड़ कभी नहीं छोड़ी, अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ी। और ये जो एक छोटी सी लाइन है ना कि देश निर्माण उद्यम से देश निर्माण, छोटी लाइन नहीं है, इसको सोचने के लिए कितना टाइम लगा होगा, किस किस से पूछा गया होगा, किस किस से बात की गई होगी, क्या एक लाइन हो जो हमारे जागृति उद्यम केंद्र के लिए गाइडलाइन बन जाए। देश निर्माण की बात समझते हैं, देवरिया जैसे शहर से, इस देवरिया जैसे शहर से आप देश निर्माण की बात कर रहे हैं, सोचिए कितना जिगरा है आपके अंदर, कितना दिल है आपके अंदर। मेरे मुंह खड़े हो इस बात को कहते हुए, क्या देवरिया जैसे शहर में, मैं जब छोटा था जब कोई पूछता था कहाँ का है, मतलब कहाँ के रहने वाले हो, देवरिया ये कहाँ पड़ता है, तो गोरखपुर के बाद, अच्छा अच्छा गोरखपुर कहाँ पड़ता है, क्योंकि लखनऊ से बहुत आगे है, हाँ लखनऊ जानते हैं। लेकिन आज मैं इस गौरव के साथ कह सकता हूं कि जागृति उद्यम केंद्र जो काम कर रहा है ना, विश्व स्तर पर लोग देवरिया को जानेंगे। छोटा शहर का आदमी क्या करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने अभिभावक बैठे हुए हैं, जितने अभिभावक यहाँ बैठे हुए, प्लीज आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिएगा, उनको इतना मजबूत कर दीजिएगा शिक्षा से कि हर देवरिया का हर एक बच्चा जो है विश्व पटल पर अपना नाम करे। और जब देवरिया का नाम आए ना, तो लोग हम जानते हैं देवरिया को, सिंगा भी जानता है, ओरिजिनल जानता है, हर बड़े जानता है, पूरा विदेश देवरिया को जानता है। और देवरिया के बाद बार जागृति उद्यम केंद्र जो काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है, पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब युवाओं के बीच में आते हैं ना, जब टीवी पर देखता हूँ, साक्षात का कभी दर्शन नहीं मिलते, और मैं चाहूंगा कभी वो जब टीवी पे आते हैं ना युवाओं के बीच में, उनके चेहरे का तेज देखिएगा, दुगना चौगुना तिगुना आठ गुना हो जाता है। मतलब क्या है, सोचिए युवा शक्ति क्या है। ये जो युवा शक्ति है ना, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जितने युवा यहां बैठे हैं, जितने अभिभावक यहां बैठे हैं, आप अपने बच्चों से एक चीज कहिएगा कि समय के साथ चलना। समय अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि जो युवा का उम्र होता है 14 से 24, जो 14 से 24 साल का होता है ना, वो सीखने का होता है, बहुत कुछ करने का होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, क्या क्या सोच सकते हैं आप खुद नहीं सोच सकते हैं। और देवरिया की मिट्टी में ऐसे ऐसे टैलेंट है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से,
अभिनेता है, नेता है, खिलाड़ी है, लेखक है, पत्रकार है, क्या नहीं है आप, फोटोग्राफर है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे वीडियो क्रिएटर, क्या वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ उनको। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि उन बच्चों के अंदर ना आप अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, बच्चों का पहला संस्कार उनके घर से ही मिलेगा और ये पहला संस्कार आप बच्चों को देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ देवरिया का नाम रोशन करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भोजपुरी की कमेंट थी, मैं आ जाता हूँ। देखिए मैं वैसे कहता हूँ, मैं कभी मंच पे कभी इतना बोला नहीं इस तरीके से, और मैं रेडियो जॉब की रहा हूँ, रेडियो में बातें की है मैंने, कहानियां सुनाई है मैंने लोगों को, मोटिवेशनल कहानियां सुनाई। कुछ लोग मुझे कहते थे गुलाब बाबू 200 रुपया में एक कहानी पढ़ लीजिए, स्टर्लिंग का दौर था, 200 रुपये में कहानियां पढ़ दिया करता था। और ये जो मौका था ये कमेंट्री का, ये मेरे लिए एक मिराकल था, एक जादू था, जिंदगी में कभी नहीं सोचा। क्रिकेटर था, अनफील्ड क्रिकेटर, मैं एक हारा हुआ खिलाड़ी था, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन में बॉलर था, मौका नहीं मिला, अच्छा मौका नहीं मिला तो मैंने अपना को हारा खिलाड़ी माना, लेकिन हारा नहीं, प्रेम वही रहा क्रिकेट से, प्रेम वही रहा खेल से, प्रेम वही रहा अपनी आवाज से, अपनी बोली से। और एक बात और, आपका जो बच्चा है ना, ये युवाओं की बात कर रहा हूँ, अभिभावक जो है जो उनके पास अपने बच्चे हैं, जो युवा है और जो युवा मेरी बात सुन रहे, लक्ष्य निर्धारित करके चलना, लक्ष्य निर्धारित है ना, संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, मन में जोश है, जुनून है, तो आपको उसको करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको रॉकेट में जानी है चाहिए, आपको इंफ्रा में जाना चाहिए, आपको स्टार्टअप करना है करिए, लेकिन जो करना है कर जाइए। तक सोते हैं ना सपने जो है, सपने उसको जीते रहिए, करना तेरे को रहिए। एक छोटी सी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, गुंजन सक्सेना देखी होगी आप लोगों ने, एक छोटी सी बच्ची थी, अपने भाई के साथ ट्रेन में जा रही थी, उसको हवाई जहाज से बाहर देखना था, अपने भाई से बोली, भाई ने चीज किया, भाई ने मना कर दिया, एयर होस्टेस ने उससे कहा कि मध्य भारत का जितने पर्यटन रह रहा है उनके बारे में सेशन था, तो उसके लिए मैं मंच से सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ गुरु प्रकाश जी को, जो खुद मध्य भारत से आते हैं, समस्तीपुर जैसे छोटे जिले से निकले और आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इनको मंच से बुलाना। उसके बाद बेगूसराय बिहार से आए हुए अजीत भारती जी, राष्ट्रवादी सबसे बड़े आज के देश के पत्रकार, वो भी मध्य भारत से आते हैं, और इस कार्यक्रम के जिन्होंने रूपरेखा रचित की, Y20 को यहाँ तक लाया और ये बड़ा कार्यक्रम करवाया, जागृति यात्रा और जागृति उद्यम के लिए संस्थापक शशांक मणि जी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ, वो मंच पे आए। और एक आखिरी अनुरोध है, उसके साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, कि भोजपुरी में एक आखिरी कमेंट चारों लोगों का हो और उसके साथ फेलिसिटेशन हो और कार्यक्रम समाप्त। 1777 में हमारे बाबा के परबाबा, उनका उनका नाम रहल राम मणि, उनका जन्म लगभग पूर्वांचल में भेल, उस समय भारत के औसतन जीडीपी विश्व की औसतन जीडीपी के लगभग 20% रहे। उनके बेटे विशेश्वर मणि का जन्म हुआ 1810, उस समय जीडीपी का पतन लगभग 16%। उनका लड़का राम कहल मणि, हमारे बाबा के बाबा, उनका जन्म 1845, तब जीडीपी 12%। हमारे बाबा डॉक्टर सूरत नारायण मणि, उनका जन्म 1900 सदी में, उस समय हमारा जीडीपी 8%। जब हमारे पिताजी उनकी भर्ती भय लगभग 1955 में, जैसा गुलाम जी ने बताई है भाई, तो ओमे जी